उत्तराखंड के उत्तरकाशी सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि जो पहला मजदूर सुरंग से बाहर आया उससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बात भी की थी। धामी ने मजदूरों के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये धैर्य, परिश्रम और आस्था की जीत हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्य के चीफ मिनिस्टर घटना स्थल पर मौजूद रहे और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मजदूरों के सकुशल बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। पीएम ने लिखा है, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करता रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। बता दें कि उत्तराखंड में 12 नवंबर से सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। बारी बारी से सभी मजदूरों को निकाला गया। अब तक ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी सफलता यही है कि जिसका इंतजार पिछले 16 दिनों से था वो घड़ी अब आ गई। दोपहर में मजदूरों के निकाले जाने की खबर सामने आई थी, माला फूल मंगा लिए गए थे, लेकिन शाम करीब 7:45 के आसपास सुरंग से 2 मजदूरों को सबसे पहले बाहर निकाला गया तो भारत माता की जय के नारे भी लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के बाद मजदूरों के परिजनों, रेस्क्यू टीम और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी रहीं। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद राइट माइनर्स ने बाकी काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया। सुरंग में 17 दिन से फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जहां देश विदेश की बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गईं, वहीं राइट माइनर्स कमाल कर गए। ऑगर मशीन फेल होने के बाद राइट माइनर्स को 27 नवंबर को जिम्मेदारी सौंपी गई। राइट माइनर्स ने जिम्मेदारी संभालने के साथ ही नई उम्मीदों को जगाया और फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।